नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जिला पोषण समिति की बैठक हुई आयोजित। जिला पोषण समिति की बैठक बुधवार को जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई। जनपद में ड्राई राशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी द्वारा उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को निर्देशित किया कि बीघापुर एवं हिलोली से जिन परियोजनाओं का राशन उपलब्ध कराना है उसमें समय से राशन आपूर्ति कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने पोषण ट्रैकर की समीक्षा करते हुए बताया कि वजन एवं आधार सीडिंग में जनपद उन्नाव प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। गृह भ्रमण की फीडिंग में जनपद उन्नाव प्रदेश में पांचवें स्थान पर है। परियोजना बांगरमऊ की आधार फीडिंग एवं गृह भ्रमण में तथा परियोजना हिलोली की गृह भ्रमण में प्रगति संतोषजनक न होने के कारण बांगरमऊ एवं हिलोली के बाल विकास परियोजना अधिकारी को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश जिला कार्यक्रम अधिकारी को दिए गए। वहीं सभी बाल विकास परियोजना अधिकारियों को अपनी अपनी परियोजना के लाभार्थियों के अनुसार पांच सबसे अधिक उपस्थित वाले तथा पांच सबसे कम उपस्थिति वाले आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची एवं पांच सबसे अधिक एवं पांच सबसे कम अति कुपोषित बच्चों वाले केंद्रों की सूची बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उनके साथ उन्हें सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर आरबीएस की टीम के भ्रमण का रजिस्टर तथा किशोरी बालिकाओं के लिए आयरन वितरण रजिस्टर बनवाने के निर्देश दिए गए। साथ ही पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती होने वाले सभी बच्चों को उनको दिए जाने वाले पारितोषित उन्हें मिला अथवा नहीं तथा बच्चे के पोषण के बारे में भी लगातार अनुश्रवण करने के निर्देश दिए गए। गोद लिए गए आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित जनपद स्तरीय अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि वो प्रत्येक माह आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर निरीक्षण करेंगे तथा अपनी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ फोटोग्राफ अवश्य संलग्न करेंगे। इस अवसर पर सेस्मी वर्कशॉप के प्रतिनिधि रवीश ग्रेवाल और नूरल हक ने लर्निंग प्ले एवं ग्रो प्रोग्राम के बारे में सभी को बताया। ये कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के सर्वांगीण विकास में कार्यक्रम लाभदायक साबित होगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी दिव्यांशु पटेल, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार पांडे, जिला कार्यक्रम अधिकारी राकेश कुमार मिश्र, सभी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने वाले जनपद स्तरीय अधिकारी एवं समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।